अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हमें मिलने वाले हमारे इंडियन आइडल सीजन 13 के टॉप 6 फाइनलिस्ट। मैट है, ये दस्तूर है कि आज कोई एक यहां से घर जाएगा और हमें मिलेंगे हमारे टॉप 6 फाइनलिस्ट। तो इंडियन आइडल को मिल गया है अपना टॉप 6 फाइनलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने प्रोमो के दौरान में देखा, जिसमें कि टॉप 7 कंटेस्टेंट में से एक का हो चुका है शॉकिंग एलिमिनेशन। और जैसा कि आपको बता दूं कि ये एलिमिनेशन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ है, जिसमें कि जिस कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन हुआ है, जिसे कि जजेस ने आज सबसे कम स्कोर दिए थे, और साथ ही साथ इन दोनों कंटेस्टेंट में से जिन्हें जनता से कम स्कोर मिले थे वह कंटेस्टेंट आज बाहर हो चुका है। आपको बता दूं दोस्तों कि यह दो कंटेस्टेंट चिराग कोतवाल और संजुति दास थे, जिनमें कि संजुति दास का सफर आज समाप्त हो गया है और उसके बाद में इंडियन आइडल को मिल चुका है अपना टॉप 6 फाइनलिस्ट, जिसमें कि देवोश्मिता रॉय पहली फाइनलिस्ट बनी है दोस्तों। तो वहीं दूसरे नंबर पर ऋषि सिंह रहे हैं, तीसरा स्थान शिवम सिंह को मिला है, चौथे नंबर पर सोनाक्षी कर रही है, पांचवा स्थान विदिता चक्रवर्ती ने पाया है और छठा और आखिरी स्थान चिराग कोतवाल को मिला है। तो ये सभी 6 फाइनलिस्ट बने हैं दोस्तों, जिनके बीच की अब हमें मिलने वाला है इंडियन आइडल का अगला विनर। और ये सभी 6 के 6 फाइनलिस्ट दोस्तों अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस कल भी जारी रखेंगे, जब राकेश रोशन जी स्पेशल मेहमान बनकर इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचने वाले हैं, और उस दौरान में इन सबों के परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। और इन्हीं 6 कंटेस्टेंट में से दोस्तों आने वाले अगले वीकेंड के दौरान में हमें मालूम चल जाने वाला है कि इंडियन आइडल का अगला विनर कौन होगा। वैसे कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि संजुति दास का एलिमिनेशन आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ ये टॉप 6 फाइनलिस्ट में से आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और किसे चाहते हैं कि वह इंडियन आइडल का विनर बने, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इंडियन आइडल 13 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।